चलिए बेटा आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जांपल सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में जो फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन चैप्टर के जो मैं आपको अभी करवा रहा हूँ उसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स करने की थोड़ी आपको स्ट्रेटेजी पता चल जाएगी, ठीक है, कि कैसे कैसे इसके न्यूमेरिकल्स बनेंगे, ठीक है। तो बेटा देखो एनसीईआरटी एग्जांपल 9.1 करते हैं आज, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, देखो पढ़ो तो। देखो बेटा क्वेश्चन कह रहा है एक कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 किलो फॉर ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, ठीक है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट पे ना बेटा, देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे ना कितनी फोर्स लग रही है, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स कितनी लग रही है, इस ऑब्जेक्ट पर बेटा फोर्स लग रही है आपकी, सॉरी कोई फोर्स लग रही है इस पर, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कितनी फोर्स लग रही है इस पर, ठीक है, इस बॉक्स पर फोर्स लग रही है, ठीक है। अच्छा अब इस बॉक्स का जो मास है वो कितना दिया बेटा, मास है वो कितना दिया है, देखो सुनो, पहले जो गिवन है उसे लिख लेते हैं, गिवन ठीक है, ये हम कर रहे हैं सॉल्यूशन, ओके। पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या किया, गिवन दैट, ओके। तो देखो बेटा ये एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी को ना खिसकाया गया है बेटा फोर्स लगा के, अब वो कितनी फोर्स लगाकर खिसकाया गया वो मुझे नहीं पता, वो हमें निकालनी है। अच्छा इन्फॉर्मेशन क्या कहती है कि भैया ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स का जो मास है यानी कि द्रव्यमान जो है, देखो मास मैंने बताया था, मास क्या होता है, वजन एक तरह से, मास क्या है, मास है बेटा आपका 5 किलो, ठीक है, मास है 5 किलो, ओके। और इसे यहाँ से खिसकाया गया है फोर्स लगा के कितनी देर के लिए, कितनी देर के लिए, टाइम भी दिया है, देखो टाइम कितनी देर के लिए, 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड्स के लिए, ठीक है। अच्छा फिर ये कह रहा है जब इसे खिसकाया ना, जब इसे खिसकाया तो उसकी वेलोसिटी ना बेटा 3 मीटर, देखो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसे खिसकाया और फिर इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई यानी कि 7 मीटर पर सेकंड हो गई। देखो अगर जैसे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर मैंने फोर्स कितनी लगाई, मैंने इस पर फोर्स लगाई 3 मीटर पर सेकंड, देखो मैंने इस पर फोर्स लगाई, अब ये कितनी स्पीड से आ रहा है, 3 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, क्या कहते हैं 3 मीटर पर सेकंड से, और फिर मैंने इस पर थोड़ा सा और जोर लगा दिया तो इसकी स्पीड क्या हो गई बेटा, ज़्यादा हो गई, यानी कि 3 मीटर पर सेकंड थी, बाद में इसकी स्पीड कितनी हो गई, 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो दो स्पीड है, मतलब कि दो दो वेलोसिटी हैं, एक इनिशियल होगी एक फाइनल होगी, तो इनिशियल वाले को क्या लिख देंगे, 3 मीटर पर सेकंड, ये पहली वाली है, ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड, फाइनल वाली को भी लिखते हैं, बताओ 7 मीटर पर सेकंड, फोर्स निकालनी है। क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, देखो क्वेश्चन ये है कि एक बेटा बॉडी थी, एक बॉक्स था, उसे खिसकाया जा रहा था, ठीक है, उसे खिसकाया जा रहा था कितनी स्पीड से, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। बाद में उसकी स्पीड बॉक्स की जो है खिसकाते हमने क्या कर दी, उसकी स्पीड चेंज कर दी यानी कि वेलोसिटी उसकी ज़्यादा कर दी 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 3 और फाइनल वेलोसिटी 7, कितनी देर तक खिसकाया, 2 सेकंड के लिए, ठीक है, 2 सेकंड तक के लिए खिसकाया, और इसका मास कितना था, कितने किलो की थी, ये बॉडी थी बेटा 5 किलो की, ठीक है। तो हमने कुल मिला के इस पर फोर्स कितनी लगा दी ये बताना है, ठीक है। तो बेटा बहुत सिंपल है, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला होता है F=ma, सेकेंड लॉ, बताओ सेकेंड लॉ हमने पढ़ाया ना, यही तो है। अच्छा मेरे पास मास है, ओके मेरे पास मास तो है, ये रहा 5 किलो। एक्सेलरेशन है बेटा, मेरे पास एक्सेलरेशन तो नहीं है, लेकिन मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, मैं इस ए को बताओ ऐसे नहीं लग सकता, v - u / t, है ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही तो होता है, a = v - u / t, बताओ यही तो होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ के आए। अब इसमें क्या कर दो, वैल्यूज डाल दो, ये लो वैल्यूज डालो इसमें, F = देखो m कितना है, m देखो बेटा 5 किलो, जल्दी तो नहीं चल रहा हूँ मैं, बताओ जल्दी नहीं चल रहा हूँ क्या, ठीक है 5 किलो। v कितना है, देखो फाइनल वेलोसिटी 7 है, इनिशियल वेलोसिटी 7 है, सॉरी ये फाइनल 7 है और इनिशियल 3 है, टाइम कितना है 2, ठीक है, बताओ अब क्या, अब इसे सॉल्व करना रह गया, अब देखो क्या हो जाएगा, F = कितना हो जाएगा 5, अब इसे क्या करो, देखो 7 - 3 कितने बचे,
बताओ चार, चार बचे ना, तो देखो चार अपॉन में टू, बताओ ठीक है। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, फाइव इंटू में फोर अपॉन में टू, बताओ ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, है ना। अब देखो ये कट गया ऐसे करके दो से, ठीक है, फोर्स कितनी आएगी, देखो फाइव टू से टेन, टेन न्यूटन फोर्स का मैं इंटू निकल आया बेटा, दस न्यूटन की फोर्स उस पर लग रही है, ठीक है, इस पर दस न्यूटन की फोर्स लग रही है, ठीक है। अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसमें दो पार्ट पूछे गए, ये तो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो हमने फोर्स निकाल ली, अब वो पता है क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है इफ़ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर ड्यूरेशन पाँच सेकेंड, अगर इस पर फोर्स, इस बॉडी पर फोर्स में, देखो यहाँ तक की बात ख़त्म, ठीक है, अब बी वाली है, ये कह रहा है अगर इस बॉडी पर फोर्स में दो सेकंड के लिए लगा रहा था, लेकिन अब मैं दो सेकंड के नहीं लगा, दो सेकंड के लिए नहीं लगा रहा, मैं इसको पाँच सेकंड तक आगे खिसकाता हूँ, पाँच सेकंड तक के लिए मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वो ये कह रहा है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। इससे कन्फ्यूज़ मत हो ना, देखो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी सेवन दी है, वो किसके लिए दी है, जब टाइम कितना लग रहा था, दो सेकंड, बताओ बात समझ में आई कि नहीं। ये फाइनल वेलोसिटी किसके लिए दी है, जब जब टाइम दो लग रहा था, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी तो वही है, ठीक है। इसने कहा है अगर मैं इसे पाँच सेकंड तक के लिए खिसकाऊँ तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो देखो मेरे पास मास तो है ही है, ये तो चेंज नहीं होगा, बताओ टाइम ये दे दिया, और इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये है ये 3 मीटर पर सेकेंड, बट फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है ना। ये वाली फाइनल वेलोसिटी किस किसके लिए थी, ये दो सेकंड के लिए थी, लेकिन इस यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है किसके, पाँच सेकंड के लिए, ठीक है। और देखो फोर्स भी मेरा अभी अभी, सॉरी सॉरी सॉरी, फोर्स नहीं आया, रुको वॉट, हाँ रुको, वो कह रहा है कि देखो फोर्स भी मेरा आ ही गया है, बताओ फोर्स, फोर्स की वैल्यू भी तो आ गई मेरी 10 न्यूटन की, बताओ 10 न्यूटन की मेरी फोर्स की वैल्यू आ गई है, तो फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, बहुत ईजी है, बताओ बहुत ईजी है। ये वाला फॉर्मूला लगा दो, एफ इज इक्वल्स टू एम बी माइनस यू अपॉन में टी, बताओ सारी वैल्यू उसको इसमें डाल दो, डाल दो, फोर्स कितनी 10 न्यूटन की, मास कितना है 5 किलो, ये देखो फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, यू कितना है 3, टाइम कितना है 5, बताओ सही है, अरे सही है। अब देखो 5 से तो 5 से कट ही गया सीधा, अब यहाँ पे कितना बचा, बी माइनस 3 बचा बेटा, बताओ ठीक है। अब बी की वैल्यू यहाँ से निकालो, देखो 10 को यहीं पे रखा, इसे यहाँ पे ले गया, तो ये हो गया प्लस का, ये भी रखा, बी की वैल्यू क्या आएगी, 10 + 3 = 30 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई बेटा इसकी फाइनल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी किसके लिए लगाई है, ये फाइनल वेलोसिटी कब होगी, जब मैं इसे 5 सेकेंड तक के लिए फोर्स लगाऊंगा इस पर, ठीक है, 5 सेकेंड तक के लिए अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ तो मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी, 13 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था बेटा, आराम से देख लो, छाप लो, कुछ भी करो, ठीक है, जल्दी से छापो, 1 2 3 4 5, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, समझ में ना आए दोबारा देखो, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी, ये कह रहा है बेटा विच विड रिक्वायर्ड अ ग्रेटर एक्सेलरेटिंग अ 2 किलोग्राम मास एट 5 सेंटीमीटर और 4 किलोग्राम मास, देखो मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, क्वेश्चन तो पढ़ते रहना तुम, क्वेश्चन कह रहा है बेटा विच वुड रिक्वायर्ड अ ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग 2 किलोग्राम मास एट इतना, देखो मेरे पास दो बॉडी हैं बेटा, दो बॉडी हैं, एक का मास कितना है 2 किलो है, ठीक है, जिस पर एक्सेलरेशन कितना लग रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और एक बॉडी और है जिसका मास है 4 किलो, मास है 4 किलो और उस पर एक्सेलरेशन कितना लग रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, है ना, स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन पता है क्या कह रहा है, मेरे पास दो बॉडी है बेटा, एक 2 किलो की है, एक 4 किलो की है, ठीक है, एक 2 किलो की है, एक 4 किलो की है, ठीक है। 2 किलो वाली बॉडी को जब मैंने ढकेला, जब मैंने इस पर फोर्स लगाई, मुझे नहीं पता इस पर कितनी फोर्स है, आई डोंट नो ना, इस पर मुझे फोर्स पता है, ठीक है। दो बॉडी थी मेरे पास, एक 2 किलो की थी, एक 4 किलो की थी, 2 किलो वाली को जब मैं फोर्स लगाता हूँ तो उस पर कितना एक्सेलरेशन आता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, इस पर एक्सेलरेशन कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का,
वहीं दूसरी बॉडी है 4 किलो की, इसको जब मैं ढकेलता हूँ तो इस पर फोर्स तो सॉरी इसका इसका मास कितना है 4 किलो और इस पर एक्सेलेरेशन कितना आता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है दोनों में से ज़्यादा फोर्स किस पे लगेगी, इसे मैं ए बॉडी मानता हूँ, इसे मैं बी बॉडी मानता हूँ। ठीक है, बॉडी ए बॉडी बी दोनों में से ये पूछ रहा है इस पर ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा या इस पर ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा। ठीक है, फोर्स किस पर ज़्यादा होगी, ए की या बी की ज़्यादा होगी या ए की ज़्यादा होगी। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल निकाल लो, एफ इज इक्वल्स टू एम ए फार्मूला मैं किसके लिए लगाऊंगा, ए के लिए, ए बॉडी के लिए। ठीक है, इसीलिए एफ ए लिख दिया, इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, पहले वाले की। ठीक है, अच्छा फोर्स निकालूंगा तो फोर्स निकाल लूँगा, मास कितना है 2 किलो, देखो एक्सेलरेशन भी, एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर। अब यहाँ पर मुझे एक्सेलरेशन खोलने की जरूरत तो यानी बी माइनस टू पड़नी थी, है ना, क्योंकि मुझे सीधे सीधे एक्सेलरेशन दिया, खोलने की जरूरत क्यों पड़ती है धीरे धीरे आप समझ जाओगे। ठीक है, 5 टू 10, देखो बहुत सिंपल, 10 न्यूटन की फोर्स किस पे आई, इस पर, यानी कि अच्छा अब दूसरे पर भी निकाल दें, एफ बी निकाल दें, बी पर कितने न्यूटन की फोर्स है, तो मास एम ए, मास कितना है 4, एक्सेलरेशन कितना है 2, कितना आएगा 4 टू 8 न्यूटन की। तो देखो तुम सीधी सीधी सी बात ये देख सकते हो, यहाँ से कंपेयर कर लो, अगर तुम यहाँ से कंपेयर कर लो, 10 न्यूटन ए, यानी कि ए पर, ए बॉडी पर 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है और बी बॉडी पर 8 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत किस बॉडी को पड़ेगी, ए बॉडी को। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा, यानी कि ए पर देखो ए की 10 है बी की 8 है, तो ए पर मैंने ज़्यादा फोर्स लगाई ना, तो ज़्यादा फोर्स की जरूरत किसे, ए बॉडी को, तो मैं लिख दूंगा फोर्स ए इज ग्रेटर देन फोर्स बी, सिंस बॉडी ए वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेटा, देख लो छाप लो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, किसी को नहीं समझ में आओ कमेंट कर देना, ठीक है, दोबारा समझा दूँगा। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, लाइक करो बेटा, यार देखो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, ओके, थैंक यू।